हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेजरली काफ़ी बार महिलाओं को कंसीव इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि या तो महिलाओं की पीरियड की साइकिल काफ़ी शॉर्ट होती है या फिर काफ़ी लॉन्ग होती है। कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स जो है 15 दिन 20 दिन ऊपर आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि कुछ महिलाओं के साथ पीरियड्स की गड़बड़ी इतनी ज़्यादा होती है कि 15 दिन तक कंटिन्यूअसली पीरियड्स आते ही रहते हैं। इसके कुछ स्ट्रेन आपको फील होते ही रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है। आपके साथ भी क्या ऐसा हो रहा है? और मेजरली ट्रस्ट मी, बहुत सारे फीमेल्स की ये कंसर्न है। ऐसे कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि मैम मेरे पीरियड्स अभी आए हैं, मेरे पीरियड्स उस डेट को आए हैं, मेरे पीरियड्स इतने दिन आते हैं, पीरियड्स के बाद मुझे ऐसा फील होता है, पीरियड्स के पहले मुझे ऐसा फील होता है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो प्राकृतिक तरीके ही बताऊंगी जिससे कि कंसीव करना आसान हो जाए, जल्दी से जल्दी आपका गर्भधारण हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअली में होता ये है कि अगर आपको कंसीवमेंट बहुत सालों तक ना हो या फिर जब आप चाहती हैं उस समय ना हो और प्रयास लगातार करती रहें, तो कई बार हमें लगता है कि हमें एडवांस ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। एडवांस ट्रीटमेंट में IVF का खर्चा 1.5 से 2 लाख पर IVF का आता है। एक बार में IVF सफल हो जाए ऐसी भी कोई गारंटी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि महिलाओं की एक की क्वालिटी ख़राब होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आजकल के जनरेशन में जितना ज़्यादा कॉमनली देखा जा रहा है, छोटे छोटे से एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स को भी PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं, आपकी ओवरी में अंडे की साइज ठीक से ग्रो ही नहीं करती है, सारे के सारे अंडे ग्रो करने लग जाते हैं, ऐसी एबनॉर्मेलिटी होने लग जाती है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पहला काम आपको क्या करना है, डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी पे इसका असर होता है। भले ही थोड़ा लेट इसका रिजल्ट मिलता है, 90 डेज में मिलता है, लेकिन फ्रेंड्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत सफल होता है। सबसे पहला और ज़रूरी सुझाव वो ये है कि महिलाओं के जितनी भी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की मेडिसिन होती है, इसमें शतावरी का इस्तेमाल किया जाता है। शतावरी एक ऐसा जड़ी बूटी है, एक ऐसा हर्ब्स है जो महिलाओं के इन द होल ऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। चाहे वो एक की क्वालिटी को लेकर हो, चाहे वो आपकी यूट्रस के अंदर कैसी भी प्रॉब्लम हो, पीरियड्स की इनरेगुलरिटी हो, एंड ओवुलेशन की डिसफंक्शनैलिटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको यूट्रस से रिलेटेड, उसको ये सॉल्व करता है और वो काफ़ी आसानी से करता है। जो आपको मेडिसिन दिए जाते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। कंपेयर टू दिस, अगर आप शतावरी पाउडर मार्केट से एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड का लेंगी, तो क्यों ना आप डेली शतावरी पाउडर को लेना इस्तेमाल करिए। जैसा कि मैंने बोला कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थोड़ा लेट इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन जब होता है तो उसका कंपेरिजन कुछ भी नहीं होता है, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। तो सबसे पहला एक काम करिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, पीरियड्स के पहले, पीरियड्स के बाद, पीरियड्स से संबंधित, एक से संबंधित, तो आप शतावरी पाउडर लेना चालू कर दीजिए। शतावरी पाउडर आपको किस समय लेना चाहिए, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं। शतावरी पाउडर आपको खाना खाने के बाद में लेना चाहिए, ठीक है। आप पानी के साथ, दूध के साथ, जैसा टेस्ट पसंद है वैसे लीजिए। अगर आप मोटी हैं तो आप जो है पानी के साथ लीजिए, वेट सही है, एक आइडियल वेट मेंटेन कर रही हैं तो दूध के साथ ले सकती हैं। 1 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। स्टार्टिंग में शतावरी पाउडर की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, 1 चम्मच छोटा वाला उसका 1/4। फिर अगर वो आपको अच्छे से सूट कर रहा है तो जो 1/2 टेबल स्पून होता है वो लेना है। अगर फिर आप समझ गए कि आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर रही है तो 1 टेबल स्पून आपको लेना है पर डे। इसको आप पीरियड्स में, ओवुलेशन में हर वक्त लेना है, महीने के 300 दिन। अब चलिए दूसरा स्टेप क्या उठाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो होता है स्ट्रेस लेना। फ्रेंड्स कई बार रिसर्चेस में ये साबित हो चुकी हैं कि महिलाओं को यूट्रस से संबंधित, इनफर्टिलिटी से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो सबसे पहले आपके ब्रेन से ही स्टार्ट होती है। हमारे ब्रेन में ऐसे कई सारे केमिकल्स प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं जो प्रॉपर हमारे प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स को काम नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्रिएट होने लग जाती हैं। अब आप ये सोच रही होंगी कि स्ट्रेस से भरी हुई आज की इस लाइफ में
स्ट्रेस लेना ना लेना ये तो बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा बात है, बट जो भी स्ट्रेस है उसका कारण आप जानती हैं और उसको ख़त्म भी आप ही को करना है। तो जितना हो सके उतना स्ट्रेस को कम लेना है। तनाव होगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, चाहे वो एडवांस ट्रीटमेंट हो, चाहे वो नेचुरल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो काम नहीं करेगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। स्ट्रेस फ्री रहिए, अपनी बातों को सामने रखिए, किसी के साथ शेयर करिए, मन को हल्का करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा उलझाने की वजह से उसको थोड़ा मैच्योरिटी से डील करिए। इसके अलावा प्रीनेटल विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर में। जो चीज़ें हम खा रहे हैं पी रहे हैं उससे सफिशिएंट विटामिन हमको मिल जाए ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी विटामिन्स की कमी हो जाती है, रहती ही है वो, उसकी जितनी ज़्यादा हमें मात्रा चाहिए उतना नेचुरल डाइट से नहीं मिल पाता है, तो उसके बिहाफ में हमें सप्लीमेंट्स लेनी होती है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक्स लेना, इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब कुछ लेना। इसकी डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, तो प्रीनेटल विटामिन्स आपको लेना मस्ट होता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेना। फॉलिक एसिड आपके बच्चे में होने वाले विकार से बच्चे को बचाता है, इसलिए फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा जरूरी महत्वपूर्ण हो जाता है एवरीडे। तो आप क्या करिए, या तो आप मल्टी विटामिन्स की टैबलेट लीजिए पर डे, उसके साथ फॉलिक एसिड की टैबलेट्स ले सकती हैं, और फ्रेंड्स आप डायरेक्टली केवल एक फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी ले सकती हैं, बाकी जो डिफिशियंसी विटामिन्स की है उसकी एक पैरामीटर ऑफ टेस्ट होती है वो करवा लीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन्स की टैबलेट को लेना चालू कर दीजिए। अब दोस्तों इसके बाद इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस महिलाओं के शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। विटामिन डी बोन्स को तो स्ट्रांग करता ही है, बट उससे आपके शरीर के बाकी सेल्स को भी मजबूती मिलती है। विटामिन डी जितना ज़्यादा नेचुरल सोर्सेस से लेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। हमारे इंडिया में धूप बहुत अच्छे से मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी इंडियन फीमेल्स को ही होती है, क्योंकि ये रिसर्चेस बताते हैं ऐसा क्यों होता है। हम अपने आप को 1 आवर्स देते ही नहीं हैं, हम मॉर्निंग में उठते हैं, घर के काम में लग जाते हैं, जॉब के पर्पज़ से चले जाते हैं, जो भी है हम अपने जो लाइवलिटीज़ है उसमें चले जाते हैं, लेकिन क्या आप 24 आवर्स में से 1 आवर अपने लिए नहीं निकाल सकती हैं? निकालने की कोशिश करिए, अपने आप को 1 आवर पर डे दीजिए। तो इस 1 आवर्स में आपको क्या क्या करना है? इस 1 आवर्स में आपको सबसे पहला काम करना है कि मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन अगर आपने 10 से 15 मिनट कर लिया तो ये मेंटल रिलैक्समेंट देगा, तनाव को कम करेगा। दूसरा काम करना है कि आपको एक्सरसाइज करना है, मॉडरेटेड और एरोबिक्स, ठीक है, कार्डियो एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपके मेटाबॉलिज्म रेट को हाई करेगा, अगर आपका फैट बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा, साथ ही साथ आपके मल्टीपल ऑर्गन्स, ज्वाइंट्स, लिगामेंट्स सभी को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो एक्सरसाइज है वो शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक ऑर्गन्स के पास में पहुंचाएगा, जिसमें हमारे यूट्रस भी इंक्लूड है, और जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा आपका बचा हुआ कुछ मिनट आपके लिए मेंटल रिलैक्समेंट के लिए आप कुछ भी अच्छे बुक्स को पढ़िए, अच्छे प्रोग्राम्स को देखिए जो आपको अंदर से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने में मदद करें। जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बाकी दूसरे हार्मोन्स को सपोर्ट करते हैं सही तरह से काम करने के लिए। तो जब प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन वक्त पे काम करेगा, सही से उसका प्रोडक्शन होगा आपके बॉडी के अंदर, तो प्रेगनेंसी रुकना और भी ज़्यादा लाजमी है, और आपको स्ट्रेस कम होगा तो आपके पीरियड साइकिल रेगुलर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब जब आपके पीरियड साइकिल रेगुलर हो गए तो महिलाओं का कंसर्न होता है कि कितने मंथ तक हमको ट्राई करते रहना है, संबंध में रहना है, तो लगभग 90 डेज तक, मतलब कि आपका इसके दौरान जो ओवुलेशन फेज होता है वो 3 महीने तक आपको फॉलो करना है और रिलेशन बनाते रहना है पॉजिटिव रिजल्ट के अलावा। अगला टिप है लेग अप द वॉल पोजिशन। देखिए इसके कुछ साक्ष्य प्रमाण तो नहीं है, बट लेग अप द वॉल पोजिशन एक एक्सरसाइज होती है,
इसको करने से अगर आपके पैर ऊपर हो जाए और आपका शरीर नीचे फ्लैट रहे तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन आपकी यूट्रस की तरफ बहुत तेज़ी से होता है। जब यूट्रस की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो एक की क्वालिटी इन्हांस होती है। ये लेग अप द बॉल पोजीशन आप रिलेशन के बाद भी कर सकती हैं, बट इसको एवरी डे 5 to 10 minutes मॉर्निंग के समय करना चालू करिए। ये एक्सरसाइज है, इसलिए ये एक्सरसाइज आपकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकता है, इसलिए इस एक्सरसाइज को प्रतिदिन करना चालू करिए, जिसकी वजह से कंसीव होना और भी आसान हो जाएगा। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ओवुलेशन को भूलना नहीं है। ओवुलेशन महत्वपूर्ण भाग है महिलाओं को कंसीव करने का। ओवुलेशन में सर्विक्स ओपन होती है, साथ ही साथ फ्रेंड्स उसके कुछ ओवुलेशन सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपकी बॉडी की टेम्परेचर थोड़ी सी बढ़ जाती है 1 degree Fahrenheit तक। इसके अलावा फ्रेंड्स एक ठीक सा ट्रांसपेरेंटली स्ट्रेचेबल डिस्चार्ज होने लगता है, जिसमें स्मेल नहीं होती है और जिसमें कलर भी नहीं होता है। तो आई रियली होप इन छोटी सी टिप्स को फॉलो कर लेंगी, स्टेप्स को फॉलो कर लेंगी तो कंसीव होना इजी हो जाएगा। ओवुलेशन कैलकुलेशन मेथड को समझना चालू करिए, बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप ओवुलेशन की अपनी खुद की कैलेंडर भी सेट कर सकती हैं, जिसके बिहाफ पे ओवुलेशन का पता लगाना आसान हो जाता है। ओवुलेशन किट के माध्यम से भी जो आपको मिलते हैं मार्केट में वो भी ले सकती हैं, जिसमें आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जांच करने को मिलेगा। जिस समय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है उसी के कुछ समय बाद 12 घंटों के अंदर हमारा एग ओवरी से बाहर आता है। तो ये तमाम तरीके हैं नेचुरल कंसेप्शन के जो ज़रूर आपको फॉलो करने चाहिए। और अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है फ्रेंड्स तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि नेचुरल चीज़ें नेचुरल रेमेडी बहुत इफेक्टिव होती है लॉन्ग टाइम के लिए, हमें नेचुरल चीज़ों को ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसी पे डिपेंडेंट होना चाहिए बिकॉज उसका खर्चा भी कम आता है। तो इन सब चीज़ों से आप बहुत आसानी से कंसीव भी कर लेंगी फ्रेंड्स, वो हेल्दी कंसेप्शन होगा, बार बार मिसकैरेज वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप वीडियोज़ को देखते रहिए मेरे चैनल पर, बहुत सारे हेल्पफुल टिप्स मैं शेयर करती रहती हूँ, मोटिवेशन भी मिलता है आपको, साथ ही साथ आपका माइंड स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव बात आप सोचना बंद कर देती हैं, तो इन सब चीजों से कंसीव होना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसी होप के साथ मैं मिलती हूँ फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इनफर्टिलिटी कपल्स तक शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। और अपना पूरा ध्यान रखिएगा, टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।